हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, यानी सारे शिक्षा में परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है और कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी एंड ईएमआरएस का एग्जाम के लिए आपके पास टाइम नहीं है, इन दोनों एग्जाम्स के लिए डेली बेसिस पे आप मेरे साथ बने रहिए और दो दो वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है। और यह केवल बीपीएससी एंड ईएमआरएस के लिए नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी आने वाले हैं यूपीएलटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एमपी सुपर टेट एंड अदर स्टेट की टीजीटी, पीजीटी, यूकेएलटी, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड थ्री सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर सभी टॉपिक के प्लेलिस्ट बने हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड दोस्तों, तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं? व्हाट आर द स्टैंडर्ड स्टेप ऑफ ए टेस्ट? तो दोस्तों, इसके मानक सोपान होते हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सभी आपका राइट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है, वैधता का अर्थ है, मीनिंग ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के, यानी जिस पर्पज के मकसद से ये टेस्ट बनाया गया है वो उसी को मापे। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण इस गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? रिलायबिलिटी मीन्स, तो एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए और हर बार परिणाम जो है एक ही आए, तो उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। तो यह विषय के क्षेत्र से संबंधित होता है, सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड होता है। एंड नेक्स्ट है, यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से दो या दो से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो तो वह परीक्षण कहलाता है। तो दोस्तों, वह कहलाता है विश्वसनीय परीक्षण, यानी कि रिलायबल टेस्ट कहलाता है। एंड नेक्स्ट है, 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किस कारक को मापने के लिए किया जाता है? 12 मिनट टाइम पीरियड यूज द मेजर विच फैक्टर इज इन ए ट्रेनिंग। तो यह प्रयोग किया जाता है सहन शक्ति, यानी एंडोरेंस को, स्टेमिना को मापने के लिए। 12 मिनट समय अवधि यानी रन वॉक परीक्षण को कूपर ने 1970 में बनाया था। एंड 1982 में इन्होंने 12 मिनट स्विमिंग, साइकिलिंग एंड जॉगिंग भी बनाया, सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता को मापने के लिए। एंड नेक्स्ट है, मानवीय शरीर की चर्बी मापने हेतु शरीर में निम्नलिखित जगह से नाप लिया जाता है। टू मेजर ह्यूमन बॉडी फैट मेजरमेंट इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस इन द बॉडी। तो दोस्तों, तीन जगहों से माप लिया जाता है, बाइसेप्स एंड एब्डोमिन एंड आपका कॉफ मसल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, यहाँ पे दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, यहाँ 14 लिखा गया है, ठीक है। मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि कहलाती है द मेथड ऑफ मेजरिंग द साइज एंड प्रोप्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो वो कहलाता है मानव शरीर के आकार, अनुपात, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको मापने को कहा जाता है, एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत ये किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस क्षमता का मापन किया जाता है, लंग कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय, किसके द्वारा मापा जाता है? तो वेट स्पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, लंबर लॉर्डोसिस को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे कमर के भाग में कर्व हो जाता है और इसे लॉर्डोसिस या लंबर लॉर्डोसिस, और इसको हालो बैक भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसको स्वेप बैक भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड की दाहिनी या बाई ओर का झुकाव यानी लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह कहलाता है स्कोलियोसिस। क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस। एंड इसको स्पायरोमीटर से मापा जाता है, स्पायरो नहीं दोस्तों, स्कोलियोसिस को स्कोलियो
मीटर से मापा जाता है, स्क्यूलियोमीटर या स्पाइनोग्राफ से, ठीक है, स्पाइरोमीटर से तो फेफड़ों की क्षमता को मापा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस वीवर परीक्षण निम्न हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो क्रॉस वीवर परीक्षण जो है मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी कि न्यूनतम मांसपेशी क्षमता को मापन हेतु बनाया गया है, इन्होंने हृष्ट लैन ने 1954 में इसको बनाया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनियोमीटर का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है, तो दोस्तों गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए यानी लचीलापन को मेजर करने के लिए, और यह मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन यानी कि जोड़ के पास दो अंगों के बीच का कोण भी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है, तो केबल यहाँ केबल नहीं रहेगा, केबल टेंशन परीक्षण का प्रयोग किया जाता है क्या मापने के लिए, तो इसको ताकत यानी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, बैक एवं लेग डायनेमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, व्हाट इज बैक एंड लेग डायनेमोमीटर यूज्ड टू मेजर, तो ये पीठ एवं पैरों की ताकत यानी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो हार्वर्ड स्टेप परीक्षण को 1943 में न्यूसीने ब्रोहा ने कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस को मेजर करने के लिए बनाया था, इसमें दो बेंच का प्रयोग होता है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 17 इंच यानी कि 45 सेंटीमीटर, तो यह सहनशीलता यानी कि इंडोरेंस या कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस को मेजर करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज के यूको, यहाँ यूको हो गया है, ठीक है, कॉलेज के यूको हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में बेंच की ऊंचाई निम्नलिखित में से होती है, तो युवकों यानी पुरुषों के लिए होता है 20 इंच, ठीक है, 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, महिलाओं के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, बाल स्टिक टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित के मापन हेतु किया जाता है, तो बाल स्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है किसको मापन के लिए, तो लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि JCR परीक्षण निम्न में से किसका समावेश होता है, तो JCR परीक्षण में किसका समावेश होता है, J से जंप, C से चीन अप एंड R से रन, यानी कि यहाँ पे वर्टिकल जंप, चीन अप एंड शटल रन, ये तीनों JCR परीक्षण में होता है, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, परीक्षण शब्द बना है, द वर्ड टेस्ट इज फॉर्म, तो परीक्षण शब्द दोस्तों टेस्ट ट्यून शब्द से बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण की आवश्यकता होती है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में, द टेस्टिंग रिक्वायर्ड इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे आपका राइट होगा खिलाड़ियों की कृतित्व क्षमता के मापन में, ये भी राइट है, यानी कि इन मेजरिंग द क्रिएटिव एबिलिटी टू प्ले ऑफ प्लेयर एंड कुशलता की परख करके विकसित करने में, टू टेस्ट एंड डेवलप स्किल्स प्रतियोगिताओं की भावनाओं के विकास में, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, तो ऑल ऑफ द एवम यानी कि ये सभी आपके आवश्यकता होता है खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में परीक्षण का क्या महत्व है, तो शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में परीक्षण का महत्व, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, तो यहाँ पे खिलाड़ियों के चयन करने में जाहिर सी बात है परीक्षण का प्रयोग होगा, ठीक है, इन सेलेक्टिंग प्लेयर्स एंड प्रशिक्षण योजना के निर्माण में यानी इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेनिंग प्लान, खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में अंडर द गाइडेंस ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एवम यहाँ पे राइट होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्षमता है यानी व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी या टोटल फिटनेस क्या होगा, तो दोस्तों शारीरिक क्षमता एंड मानसिक क्षमता यानी कि फिजिकल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी दोनों को मिला करके बोला जाता है टोटल फिटनेस, केवल शारीरिक क्षमता से ही तात्पर्य फिटनेस का नहीं है, मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमता से है, ठीक है, दोनों को मिला जुला है, दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाएगा, शारीरिक फिजिकल फिटनेस या टोटल कैपेसिटी कहलाएगा, टोटल कैपेसिटी यानी टोटल फिटनेस का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक दोनों फिटनेस होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों, मापन का उपयोग किया जाता है, मेजरमेंट इज यूज्ड। तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बिजनेस एंड मेडिसिन यानी व्यावसायिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, ये सभी में किया जाता है, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में मापन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है, हार्ट फंक्शन इज मेजर्ड बाई, तो किसके द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा। किसके द्वारा मेजर किया जाता है, हृदय की अनियमितता या कार्यशीलता का मापन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है, तो ब्रेन मालफॉर्मेशंस आर डिटेक्टेड बाई, तो मस्तिष्क की विकृतियों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी से, तो हृदय की संबंधित असमानता का पता लगाया जाता है, लेकिन मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेसोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की लंबाई मापने का उपकरण है, तो द इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर ऑफ हाइट ऑफ ए पर्सन, तो लंबाई मापने का उपकरण है, लंबाई या ऊंचाई मापने का उपकरण है स्टेरियोमीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, मोटापा मापने का यंत्र है, तो मोटापा मापने का यंत्र क्या है, स्किन फोल्ड कैलिपर, ठीक है, स्किन फोल्ड कैलिपर ओबेसिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, 12 मीटर दौड़ चाल द्वारा क्या मापा जाता है, तो सहनशीलता मापा जाता है, एंड्योरेंस को कूपर ने 1970 में बनाया था। एंड नेक्स्ट है, हवा के वेग मापने का यंत्र है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी, तो हवा का वेग मापने का यंत्र कौन है, तो हवा का वेग मापता है विंड गेज, ठीक है, विंड गेज के द्वारा हवा का वेग मापा जाता है, जबकि विंड गेज से हवा की दिशा मापा जाता है, तो हवा का वेग मापक यंत्र है विंड गेज। नेक्स्ट, हवा की दिशा मापने का यंत्र है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड डायरेक्शन, तो ये है आपका विंड गेज, याद रखिएगा, विंड गेज हवा की वेग मापता है और विंड गेज हवा की दिशा मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद की रफ्तार मापक यंत्र है, तो क्रिकेट की गेंद की रफ्तार किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो वो है आपका स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर के द्वारा। एंड नेक्स्ट है, जेवलिन की दूरी मापने का यंत्र है, तो जेवलिन की दूरी किससे मापा जाता है, तो दोस्तों यह मापा जाता है मैजिक आई से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, खेलों के उपकरणों में हवा का दाब कौन मापता है, व्हाट हु मेजर एयर प्रेशर इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो खेलों के उपकरण में हवा का दाब किससे मापा जाता है, तो यह मापा जाता है प्रेशर गेज से, किसके द्वारा, प्रेशर गेज से, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी के तंतुओं का वर्गीकरण किस तकनीकी द्वारा किया जाता है, बाई विच टेक्निक मसल्स फाइबर आर क्लासिफाइड, तो मांसपेशी तंतुओं का वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है बायोप्सी टेक्निक द्वारा, किसके द्वारा, बायोप्सी टेक्निक द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, व्हाट डिटरमाइंस द एक्शन पोटेंशियल ऑफ ए मसल्स, तो यह मांसपेशियों के एक्शन पोटेंशियल यानी क्रियात्मक क्षमता का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगला आपका टॉपिक होगा, ये आपकी फिजिकल जो आपका टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन था उससे समाप्त हो गया, अब इससे ज़्यादा जो 4-5 वीडियो मैंने बनाया इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं, सभी चीज़ें मैंने क्लियर करा दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा स्पोर्ट्स मेडिसिन से या तो आपका जो है किनेसियोलॉजी से, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।